तमाम मेहरबानी फ्रेंड्स को वागी सुमसिंह गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, मूनसून या रेनी सीजन यानी बारिशों का सिलसिला खत्म होने के बाद विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स लगाने का सिलसिला शुरू होगा। ना तो विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स बल्कि विंटर फ्लावरिंग सीड्स, विंटर वेजिटेबल सीड्स लगाने का भी प्रोसेस शुरू होगा। आज की ये मेरी वीडियो विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स के टाइम टेबल के हवाले से है। पिछले साल मैंने हर तरह के विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स लगाए थे जो कि मुझे यहाँ लाहौर पाकिस्तान में अवेलेबल हुए थे, और बाहर के मौसम में जिस तरह आप इस वक्त ये मूनसून के मौसम में रंग बिरंगे मेरे बैकग्राउंड में फ्लावर्स खिलते खिलाते देख रहे हैं, इसी तरह बाहर के मौसम में इसी साल तमाम ही विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स पे फूल खिलते नजर आए थे। लेकिन उनमें से कुछ बल्ब ऐसे थे जो कि चिल्ड वेदर की वजह से जिनमें फ्लावर्स नहीं खिल सके, और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, खासतौर पे हमारे लाहौर पंजाब के हवाले से, जो मेरे गाड़ी फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये टाइम टेबल मैंने क्रिएट किया है कि कौन से पहले विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स लगाए जाएंगे ताकि सही तरह उनकी ग्रोथ हो और 90 डेज के बाद, किसी के 60 डेज के बाद, किसी के 120 डेज के बाद प्यारे प्यारे से जो विंटर है, जो फ्लावर्स हैं उन पे फ्लावर्स आए इन टाइम, और किसी किस्म कोई मौसम की या चिल्ड वेदर की उन्हें कोई प्रॉब्लम को फेस आउट ना करना पड़े। और जी मेरे गार्डन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड बटन आपको नजर आ रहा होगा, रेड बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन बटन घंटी के निशान को भी इसको भी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मैं आप इन टच रहे और हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर लिहाज से मिलती रहे। तो अब आगे जो स्टार्टिंग में मेरे बल्ब्स हैं उस हवाले से ये टाइम टेबल है, साथ साथ आपको पिक्चर भी नजर आएगी, साथ किस मौसम में लगाना है, कौन से महीने से शुरू करना है उसका, और कितने दिन के बाद इस पे फ्लावर्स आएंगे, किसी पे 90 डेज के बाद, किसी पे 120 डेज के बाद, तो उसके भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन हर लिहाज से हर विंटर फ्लावर बल्ब की मिलती रहे। तो देखते हैं आप